खबर दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं। केजरीवाल ने शनिवार को पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने बीजेपी के एक भी नेता को नहीं छोड़ा। उन्होंने अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला नंबर किसका है? अगला नंबर है योगी आदित्यनाथ का। अगर ये चुनाव जीत गए तो मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं। एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।